ये शेर आप सुन लीजिए, खुदा की कसम मजा आ जाएगा। देखिए हकीकत जो हो उसको बयान करना, उस पर कॉन्फिडेंस से ये कहना कि आपको अच्छा लगेगा, इतनी बड़ी बात नहीं। सच्चाई पे हर कोई गर्दन हिलाएगा। ये मिसरे सुन लेना, इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा। देखिएगा हाथ पहुंचो, सर पे उठाना पड़ता है। दिल को जो पुरनूर करे, दिल को जो रूह को शाद करे, दिल को जो पुरनूर करे, हर नजारे में ये तनवीर कहां होती है, हर नजारे में ये तनवीर कहां होती है। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला होती है ना ये भुज के धुआं होती है। सुकून 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 के पढ़ते तो जिक्र रंजो अलम बेहिसाब है। ये मेरी जिंदगी की मुकम्मल किताब है, ये मेरी जिंदगी की मुकम्मल किताब है। पूछो ना मुझसे दोस्तों अफसाना हयात, बस इतना जान लो कि मुसलसल अजाब है। उठाना पड़ता है।
करेगा। सर जी मुझे मालूम है कि आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत का सबूत है आपकी एक एक महीने में आपके 2-4-5-6 फोन आने, इससे बड़ी बात क्या। कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सलाम दुआ हाल चाल के लिए, कैसे हैं, कहाँ पे हो, कहाँ जा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है लोग सुनते हैं चले जाते हैं, कभी अगर जरूरत पड़ी तो फोन कर देते हैं, वरना किसी को क्या किसी की जरूरत, ये जमाना ही ऐसा है। मैंने पिछले बरस यहाँ एक गजल पढ़ी थी कि वो बेवफा जमाने में कौन किसका होता है, उसकी बेवफाई पर, उसकी बेवफाई पर किस लिए तू होता है, मतलबी जमाने में कौन किसका होता है। हकीकत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। सही शेर सुनना इंशाल्लाह ताला मजा आ जाए। शेर सुन के आइएगा, नहीं अभी नहीं लूंगा, शेर सुनिएगा, नहीं पहले शेर हो जाए पूरा, शेर सुनो मजा आ जाएगा। टहनी टूट जाती है या फिर जो आसमान पर उड़ने की कोशिश करता है वो नीचे आकर गिरता है,
लेकिन जो शेर आपके सामने मैं रख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, देखिए मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मेरी जिंदगी का ये शेर मैंने बहुत इसको पसंद किया है। तवज्जो के साथ जरा देखिएगा, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। में आती है कितना जोश होता है, उनमें उठती है तवज्जो तवज्जो तवज्जो। चार मिसरे समर साहब का जिन्हें आपने ज्यादा भी सुना है, और ये भी कहूंगा कि कव्वाल हजरात से बहुत कम सुना है, जिनका पढ़ो दरूद दुल्हा बना है ख्वाजा शानी मोहम्मद, ये सब मैंने गाया। क्या कह रहे हैं कि मखरूर जो भी हो गया फिरौन की तरह, 450 साल बाद फिरौन की लाश को दरियाए नील ने निकाल कर बाहर फेंक दिया, उसने भी कबूल नहीं किया। अभी भी अगर जाए कोई जाकर देख सकता है, गलत तो नहीं कह रहा कि मगरूर जो भी हो गया फिरौन की तरह। मिसरा ध्यान से पकड़ना, सागर की लहरें भी यूं तो होती हैं बलवान मगर, ध्यान से बोलना सब लोग, मगरूर जो भी हो गया फिरौन की तरह, काफी है बस ये उसकी तबाही के वास्ते, उसका गुरूर कहर के दरिया में डूबेगा, बस लाश ही बचेगी गवाही के वास्ते। दोनों जहान ही
इंसानियत का प्यार का दस्तूर बन के दे, इंसानियत का प्यार का दस्तूर बन के दे। दोनों जहान में अगर तकलीफ है पानी, इतनी सी बात है जरा मगरूर बन के दे। सबसे झुककर मिला, सबसे झुककर मिलो खुदा के लिए। चार दिन की ये जिंदगानी है, सिर्फ चार दिन की ये जिंदगानी है। सबसे झुककर मिलो खुदा के लिए, चार दिन की ये जिंदगानी है। हिर्स, गुस्सा, हसद, हवस, नफरत, ये फना होने की निशानी है। सागर ने दो मिसरे दिए हैं, अगर इजाजत हो तो पेश किए जाएं। इजाजत है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जर्रा नवाजी, सुनिए।
जमाना पड़ता है। सामने रख रहा हूं और देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बाखुदा दोनों मिसरे सुनने के बाद में बात है सर साहब, देखिएगा कहां तशरीफ जा रही है, तशरीफ कहां जा रही है, मक्का सुन के, मक्का सुन के प्लीज।
से बताना कैसा लग रहा है। अच्छी है गजल, बहुत अच्छी लगती है मुझको, क्योंकि जो इसमें नसीहत, जो इसमें इबरत दी गई है, वाकई में इंसान के काम आने वाली बात है। खैर, गजल पूरी कर रहा हूं, उसके बाद में इंशाल्लाह ताला कुछ और सुने।